अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की बात करेंगे, विच इज़ प्रोबिंग। प्रोबिंग इज़ द स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सवाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेलिंग के प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो सवाल करने के ज़रिए हम अपने कस्टमर की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो बनाई थी कॉल ओपनिंग में, तो आई ऑल्सो एड्रेस दैट कि कॉल ओपनिंग में अगर आप कस्टमर को स्टेटमेंट देने की बजाय सवाल करते हैं उससे, आस्किंग अबाउट द फीडबैक ऑफ योर प्रोडक्ट, और वो सवाल आमतौर पे अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर आपके साथ कॉल के स्टार्ट में ही इंगेज हो जाता है, और जब कस्टमर आपकी डिस्कशन में इंगेज हो जाता है तो आपके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ शेयर करना और उसको कन्विंस करना आसान हो जाता है। तो आस्किंग क्वेश्चन इज़ अ स्किल। इसको हम स्किल क्यों कहते हैं? क्योंकि सवाल कब करना है, कौन सा सवाल करना है, क्यों करना है, उस सवाल के ज़रिए आप क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं, ये सब कुछ आपको पहले से आमतौर पे मालूम होना चाहिए। यानी आप क्वेश्चन को प्री प्लान प्रिपेयर करके लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए होंगे तो सेल्स कॉल को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर होके नहीं गए, आपने क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसा हो सकता है कि बात आपके इख्तियार से बाहर निकल जाए। जो बात आप करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि कस्टमर उस बात के अलावा कोई और बात करे, तो आप कस्टमर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ डायरेक्ट करने के लिए आम तौर पे क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम क्वेश्चनिंग की बात करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ तरीके से कस्टमर की नीड को मालूम कर सकते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, जिसमें आप ये देख लें कि आप ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब, आम तौर पे इस तरह की बीमारी में आप क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस उससे पूछना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप बड़ा सीधा सीधा ये पूछें कि डॉक्टर साहब, मेरी प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, या मेरी प्रोडक्ट से आपका क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेक इट मोर स्पेसिफिक। आप क्वेश्चनिंग करें कि डॉक्टर साहब, मेरी प्रोडक्ट की एफिकेसी आपको कैसी लगी, मेरी प्रोडक्ट के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या राय है, मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या आपके पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल रही। तो मेक इट वेरी क्लियर, और बड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछें कि जिससे आप डॉक्टर का रियल कंसर्न मालूम कर सकें। आमतौर पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 3-4 प्रोडक्ट्स डॉक्टर के पास लेके जा रहा होता है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी इन तमाम तर प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट आपको कौन सी लगी, या आप अपने पेशेंट्स को किस प्रोडक्ट का बेनिफिट आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। क्वेश्चनिंग में आमतौर पर ये कहा जाता है कि 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड बेनिफिट टैग क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके ज़रिए आप डॉक्टर की या जिससे भी आपने सवाल किया है उसकी राय मालूम करते हैं, यानी आपको डिटेल्ड आंसर मिलता है। इसी वजह से इस तरह के सवालों को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आम तौर पे स्टार्ट होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, यानी आप ये कह लें कि क्या, क्यों, कैसे, किस तरह। जब आप इस तरह की बातें पूछ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप डिटेल इन्फॉर्मेशन की आस्किंग कर रहे हैं, और जिससे आपने सवाल किया है वो आपको तफसीली जवाब देगा। तो आम तौर पे कॉल ओपनिंग में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन प्लान करके जा सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं अपनी प्रोडक्ट का फीडबैक लेने के लिए, तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि डॉक्टर आपके साथ कॉल के स्टार्ट में ही इंगेज हो जाएगा, तो वो जो एक कम्युनिकेशन गैप बाजू का डेवलप हो जाता है डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान, वो कम्युनिकेशन गैप आप इनिशियली ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाजू बात आपको एकदम क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, या आपको डिटेल आंसर नहीं चाहिए होता, आपको सिंपल यस और नो में आंसर चाहिए होता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब यस और नो में आए, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। लाइक आप पूछें कि डॉक्टर साहब, कल आप क्लिनिक पे अवेलेबल होंगे या नहीं, तो इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन, फिर डॉक्टर आपको बता देगा कि वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कल मैं आपको मिलने आ सकता हूँ क्या, मेरे बॉस आपके पास कल शाम में इस टाइम पे आ सकते हैं, तो दीज आर द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। बेनिफिट टैग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट को सवालिया अंदाज में पेश करते हैं। बेनिफिट टैग क्वेश्चंस करने का भी मकसद यही होता है कि अगर आप बेनिफिट को एक स्टेटमेंट के तौर पे बयान करेंगे, तो हो सकता है कि आपका कस्टमर उस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो नहीं था, और जिस बेनिफिट पे आप अपनी प्रोडक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं
डॉक्टर उस बेनिफिट को उस तरह नहीं समझ सका जैसे आप उसे बताना चाह रहे थे। तो इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बचने के लिए बेनिफिट टैग क्वेश्चन प्रिपेयर किया जा सकता है। बेनिफिट टैग क्वेश्चन का तरीकाकार यह होता है कि आप जिस बेनिफिट के बारे में डॉक्टर से बात करना चाह रहे हैं उस बेनिफिट को सवालिया अंदाज में पेश करें। जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर आपके पेशेंट को एक ऐसी एनल्जेजिक मिल जाए जिसमें पेन रिलीविंग के साथ साथ GI सेफ्टी भी हो तो आपके पेशेंट के लिए कैसा है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी आप शायद प्रॉबेबली कोई COX-2 इनहिबिटर लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास जो एनर्जेटिक इफेक्ट के साथ साथ GI सेफ्टी भी रखती है, ठीक है। आप अगर गायनी में जा रहे हैं तो आप आमतौर पर ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट के लिए अगर एक ऐसी प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाए जो प्रेगनेंसी कैटेगरी B में फॉल करती हो तो क्या आपके पेशेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो यू आर गिविंग द बेनिफिट एज ए क्वेश्चन, ताकि डॉक्टर, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो डॉक्टर आपकी बात ध्यान से सुनेगा और वो आपको उसका कोई डेफिनेट रिस्पॉन्स भी देगा। तो इस तरीके से आपको अपनी बात डॉक्टर तक पहुंचाना जो है वो आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चनिंग को हम इसके लिए इसलिए कहते हैं कि आपने अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करना होता है। मौका आपको बहुत मुनासिब हो कि जिसमें आप सवाल कर सकते हैं, आपकी टोन क्या है, आपका लबो लहजा क्या है, आपने किस स्टाइल में बात की, इवन सवाल करते हुए आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आपको रिस्पॉन्स फिर उसके मुताबिक मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपने क्वेश्चनिंग करनी है, इंटेरोगेशन नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही स्टाइल में कर रहे हैं तो डॉक्टर को ऐसा लगे कि जैसे शायद वो किसी इंटेरोगेशन में जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। तो हमने ऐसा नहीं करना। मकसद क्वेश्चनिंग का ये है कि डॉक्टर की अटेंशन हासिल कर सकें, डॉक्टर को डिस्कशन में इंगेज कर सकें, कम्युनिकेशन गैप को फिल कर सकें। यही वजह है कि प्रोबिंग इज़ एन स्किल। और जैसे हमने बात की कि क्वेश्चनिंग की मेन तीन टाइप्स हो जाती हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और बेनिफिट टाइप क्वेश्चन। तो बाय आस्किंग क्वेश्चन यू कैन गेट फुल अटेंशन ऑफ योर कस्टमर। तो होप टू यू सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।